Hey guys, my name is Vikram Pratap Singh and welcome to HP Academy. Last class में हमने जो आपसे discuss किया था वो पहले तो हमने इससे पहले वाली class में हमने 13 से start किया था, oral evidences के बारे में बताए थे, admissions को discuss किया था. फिर कल की class में हमने क्या किया था, confession हमने आपसे discuss किया, dying declaration discuss किया, judgment, relevancy of judgment को discuss किया, साथ ही साथ को accused and accomplice के बीच में एक relation जो maintain होता है उसको, उसके बारे में हमने discuss किया. ठीक है, आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो चीज हमें डिस्कस करनी है वो आपसे करनी है हमें एक्सपर्ट ओपिनियन. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपर्ट होता क्या है, ठीक है, फिर उसकी ओपिनियन की रेलेवेंस क्या है. ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली देखिए, जब कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग रन करती है ना, तो ऐसी कंडीशंस में कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे कि कोर्ट अपना प्रूडेंस देने में कॉम्पिटेंट नहीं होता. मतलब कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें सामने उठ के आ जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट हर चीज़ का जानकार नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, ऐसे मैटर्स को रेफर किया जाता है किसी ऐसे स्किल्ड पर्सन के सामने जो चाहे वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, फिंगरप्रिंट का है, वो स्पेशलिस्ट हो. ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट का मैटर जो है वो रिफर कर दिया जाता है किसी स्किल्ड पे, और जो वो स्किल्ड पर्सन है वो क्या करता है, अपनी एक ओपिनियन देता है. और जो ओपिनियन होनी चाहिए वो ओपिनियन कैसी होती है, वो ओपिनियन की रेलिवेंस होती है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि कौन है वो जो जिनको कि हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं. ठीक, तो एक्सपर्ट वो होते हैं जिनको कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे स्किल्ड हों. ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो लिटरेट हों, इलिटरेट भी किसी मैटर का एक्सपर्ट हो सकता है, वो स्किल्ड होने चाहिए. स्किल की बहुत लिमिटेड डेफिनेशन नहीं है, बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में स्किल को हम देख सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे देखते हैं, जैसे सोने की दुकान रखने वाला लड़का, सोने की दुकान पे काम करने वाला लड़का भी सोने की क्वालिटी को बता सकता है. ठीक है, ऑल दो कि वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा हुआ है. ठीक, दूसरी चीज साइंटिस्ट भी बताते हैं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी बताते हैं. ठीक है, तो जो सेक्शन 45 है आपका, बेसिकली ये डिफाइन नहीं कर रहा है एक्सपर्ट को, रादर ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये लोग होंगे जिनको कि हम एक्सपर्ट मान लेंगे, एक रिक्वायरमेंट बता रहा है. तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि कुछ ऐसे लोग, देखिए मैं बताता हूँ कौन कौन से लोग हैं वो, जिनके के पास नॉलेज है किस चीज की, पहली आर्ट की, साइंस की, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट हुए वो. ठीक, इसके साथ साथ क्या है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है वो, एक्सपर्ट है, और उसके भी साथ फॉरेन लॉ का वो एक्सपर्ट होगा. ठीक है, और उसको क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए. अगर वो फॉरेन लॉ के इन 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 मैटर्स पे वो स्किल्ड है तो क्या करेगा, अपनी एक स्टेटमेंट देगा. कब, जबकि कोई भी मैटर कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस मैटर को उसको स्पेसिफिकली रेफर किया जाता है एक्सपर्ट के. ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई. ठीक है, अब सपोज कि ये कोई स्किल्ड पर्सन है ए, ठीक, ए ने क्या किया, कोई स्टेटमेंट दिया, मतलब उसकी ओपिनियन आई, मान गए आप, ओपिनियन आ गई. अब इसकी ओपिनियन दो तरीके से हो सकती है, क्या, सपोर्ट करे, कॉरोबरेट जिसको कहते हो, या इनकंसिस्टेंट हो. सपोर्ट करे या इनकंसिस्टेंट हो, किस चीज से, उस फैक्ट से, उस इंसिडेंट से जो कि घटना वहां घटी हुई है. इतनी बातें समझ में आ गई.
तो कोई भी एक्सपर्ट जो कि एक स्टेटमेंट दे रहा है उसका क्या हो सकता है, या तो उसकी बातें उस फैक्ट इन इशू से सपोर्टिव हो सकती हैं या वो इनकंसिस्टेंट हो सकती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तब भी वो रेलिवेंट है, और अगर वो सपोर्ट कर रही हैं तब भी वो रेलिवेंट है। सपोर्टिव है तो वो क्या कहाँ फॉल करेंगी? 157 में एज अ कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस, कोरोबरेशन के पर्पज से। और अगर वो इनकंसिस्टेंट है तब वो फॉल करेगा सेक्शन 145 में, जहां वो किस पर्पज के लिए? कॉन्ट्राडिक्शन के पर्पज के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन करने। ठीक है, तो ये है क्या कहते हैं इनकी ओपिनियन की रेलिवेंस। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, ये जो सेक्शन है ना, ये 46 कहता है। क्या है ये सेक्शन? 46 इन बातों को कहता है। ठीक, तो अब क्योंकि जो भी एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट की जो ओपिनियन होती है, वो ओपिनियन को किस तरह से उसको एविडेंस में ट्रीट किया जाना चाहिए, उसकी रेलिवेंसी क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो कोर्ट इस इन मामले में कई मैटर्स में इस चीज़ को डिफाइन किया, इस चीज़ में कोर्ट ने स्पेसिफाई किया कि जो एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है वो वीक टाइप ऑफ ओपिनियन है, वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, और इसको एज अ कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, कई केसेस में जैसे एक पुलिस का आदमी जो कि पिस्टल वगैरह के बारे में अच्छी जानकारी है उसको, ठीक है, वो भी क्या हो सकता है? एक्सपर्ट माना जा सकता है। ठीक है, और अगर उसे एक्सपर्ट मान सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? उसको अलाउ कर दिया जाना चाहिए उसके एविडेंसेस को। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम इसी के साथ एक प्रोविजन और पढ़ते हैं, वो है 51। ठीक है, 45 पहले पढ़ा हमने, दूसरे नंबर पे ये पढ़ा, और तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं 51, सेक्शन 51। ठीक है, सेक्शन 51 की जो लैंग्वेज बोल रहे, मार्जिनल हेडिंग जो बोल रही है वो ये है, ये पढ़ के बताता हूं आपको, कि ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट, कह रहा है कि व्हेन एवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलिवेंट, ठीक है, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर आल्सो रेलिवेंट। ठीक है, देखिए, अगर सपोज कि एक यहां इस जगह पे कोई ओपिनियन अगर ड्रॉ की गई, ठीक है, ओपिनियन ड्रॉ करी गई, और उस ओपिनियन की जो अपनी रेलिवेंस है, अपने आप में जो रेलिवेंस है, उसके पीछे का जो लॉजिक था ना, उस लॉजिक को भी हम रेलिवेंट मानेंगे। ठीक है, कि वो कौन से कंडीशंस थी जिनमें कि कोर्ट ने, जिनमें कि उसने ये ओपिनियन ड्रॉ करी है, मतलब एक्सपर्ट ने वो ओपिनियन ड्रॉ करी है। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि रीजंस ऑफ हिज एक्सपर्टीज शैल ऑल्सो बी टेकन इंटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये 51 में यहां तो रेलिवेंट हो गया। ठीक है, चलिए, इसमें इतनी बातें तो आपको जो कि फैक्चुअल बातें हैं ये आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसकी एविडेंसी वैल्यू क्या है, तो एविडेंसी वैल्यू आपको पता है क्या होते हैं? कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंट है वो, ये क्या हो सकता है और क्या हो सकता है? ये इसको एक तरह से रिलायबल माना जा सकता है, कब? जबकि कॉजेंटली या यूनिवर्सली प्रूव्ड ओपिनियन पे बेस्ड हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम आते हैं ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट। अब मैं आपको बताता हूं दो चीजों के बारे में बताऊंगा कि सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग।
ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें आपसे डिस्कस करना है, इसके लिए जो कंसर्न प्रोविजन है वो है आपके 47, फिर 67, फिर 73, ठीक है। तीन ओपिनियन है, ठीक। ये तीन प्रोविजंस हैं जहां की सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को हम एक कंसिडरेशन में लेते हैं। यहां बात कर रहा है ओपिनियन की जो कि रेलिवेंट होती है, किस चीज के रिगार्डिंग, हैंडराइटिंग के, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन कर रहा है, ये प्रोविजन करता है कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय हुम एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइंड, जहां ये प्रश्न हो कि ये जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है वो किसके द्वारा और साइन किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट को ओपिनियन ड्रॉ करनी होती है, किससे, मतलब कौन कौन से वो लोग हैं जिनके माध्यम से ओपिनियन ड्रॉ करेगा, किन किन फैक्ट्स को देखेगा। देखो इसमें आगे कह रहा है कि पर्सन हुम एनी डॉक्यूमेंट वॉज रिटन और साइंड द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्वेंटेड विद दैट फैक्ट, मतलब इस सिग्नेचर को, इस हैंड राइटिंग को जिसने की, जो कि जानता हो, उसकी बातों को ध्यान में, कंसिडरेशन में लिया जाएगा। ऑफ द पर्सन बाय हुम इट इज सपोज टू बी रिटन एंड साइन, ठीक है, दैट इट वॉज और वॉज नॉट रिटन और साइन बाय दैट पर्सन इज रेलिवेंट फैक्ट। अगर सपोज देखिए उसने ये डॉक्यूमेंट लिखा है या नहीं लिखा है, ये दोनों बातें क्या होंगी, रेलिवेंट होंगी, ठीक है। कहां, सेक्शन 47 में, ये ओपिनियन के रिगार्डिंग बात कर रहा है, ठीक। अब हम आते हैं आगे, इसमें कुछ कुछ लोग और हैं जिनको हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि ही हैज सीन दैट पर्सन इन राइटिंग, मतलब उसने उस आदमी को लिखते हुए देखा है जो जिसके स्टेटमेंट को यूज किया जा रहा है। दूसरा, ही हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी रिटन बाई दैट पर्सन, सपोज कि एक ऑफिस ऑफिसर है जो कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करता है, जैसे पोस्टमैन हो गया, और वो हमेशा देखता है कि हाँ इसी राइटिंग से कुछ लिख के आता है, और ये जब लिख के आ रहा है तो इसको क्या माना जाएगा कि ये उसी आदमी की राइटिंग है, ठीक है। तीसरी बात हो गई, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट आर हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम, कह रहा है कि इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंतर्गत वो ऐसे ही चलता रहता है। सपोज कि एक कोई इंसान है जो कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में है, वो क्या करता है, वहां से हमेशा एक लेटर लिखता है कहाँ के लिए, दिल्ली में कोई रह रहा है, इतनी बात समझ में आ गई। दिल्ली में रहने वाला वो आदमी कभी उसको देखा नहीं है, बट उसके लेटर को रिसीव करता रहता है, वो उसको पता है कि उसके पेपर देखते ही उसको पता चल जाता है कि हाँ ये उसी इंसान ने लेटर लिखा होगा। तो ये यूजुअल कोर्स ऑफ मैनर में एक बिजनेस के ट्रांजेक्शन में माना जा रहा है, इसलिए यहाँ भी रेलिवेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई आपके ओपिनियन की, ठीक। अब हम आगे कंसिडरेशन लेते हैं, इसको हटाते हैं, नहीं हटाते नहीं है, ठीक है। फिर आता है दूसरा प्रोविजन है 67, ठीक है। 67 बात करता है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलेज टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड, कह रहा है कि इफ अ डॉक्यूमेंट एलेज टू बी साइंड और टू हैव बीन रिटन होली और इन पार्ट बाय एनी पर्सन द सिग्नेचर और हैंड राइटिंग ऑफ सो मच ऑफ डॉक्यूमेंट इज एलेज टू बी इन दैट पर्सन हैंड राइटिंग मस्ट बी प्रूव टू बी इन हिज राइटिंग। अगर कहीं भी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो सिग्नेचर है, ये जो हैंड राइटिंग है, ये किसकी है, तो ऐसी कंडीशन में उसने जो लिखा हुआ है और उसका जो कहीं कभी और पहले से भी कुछ उसने लिख रखा होगा, उन चीजों को प्रूफ के तौर पे यूज किया जा सकता है। मतलब पहले की उसकी राइटिंग जो होगी वो रेलिवेंट होगी। ये तीन बातें कर रहा है, एक में ओपिनियन की बात कर रहा है, दूसरे में प्रूफ की बात कर रहा है। 76 किसकी बात कर रहा है, प्रूफ की।
फिर आता है 73। 73 जो बात करता है वो हमेशा किस चीज के, कोर्ट के फैक्ट की बात करता है, कोर्ट के क्या कहते हैं स्टैंड की बात करता है। कोर्ट यहाँ क्या करता है, कोर्ट कहता है कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद अदर एडमिटेड और प्रूव्ड। देखिए सपोज कि एक कोई डॉक्यूमेंट है, ये साइंड है, ठीक है, साइंड है एंड सील्ड है मान लो। अब और ये जो डॉक्यूमेंट है ये पहले से प्रूव हो चुका है किसी कोर्ट में, ठीक है। अब फिर से एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या अराइज होता है कि कोई इंसान है जिसने कि कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, और जो प्रोड्यूस किया है उसने डॉक्यूमेंट, तो उसके डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। तो ऐसी कंडीशन में जो पहले ये प्रूव फैक्ट हैं इनसे उस जो दूसरा डॉक्यूमेंट है ये कंपेयर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये जनरली एक ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, प्री में भी कई बार पूछा है कि ये इन तीनों में डिफरेंस, और बेसिकली मेंस में भी पूछते हैं, ठीक है। अभी इस बार के ही मेंस में, अभी आपने देखा है मध्य प्रदेश के मेंस में ये पूछा हुआ था, ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछे हुए। तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक होके चलना है, मेंस को भी ध्यान में रख के और प्री को भी ध्यान में रख के चलना है। ये जो टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ आपके, ये दोनों में आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। बस आपको बस इसी क्रोनोलॉजी को आपको फॉलो करना है, क्योंकि अब वो ट्रेंड नहीं रहा कि आपको, अब जो एग्जामिनर एग्जाम का जो पैटर्न है वो कहता है कि आपको स्पेसिफिकली चलना है। जैसे ओरल एविडेंसेस के बारे में बात करेगा तो कहाँ कहाँ प्रोविजन दिए हुए हैं उन सबको एक बार में पूछ लेगा, ठीक। ऐसे सेम सिग्नेचर और हैंडराइटिंग की बात करेगा तो यहाँ भी ऐसे ही है, ठीक है। तो हम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इन सारी चीज़ों को, एक बार आप बैरेक्ट से गो थ्रू हो लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजन इसके सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग के कंसर्न में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम आते हैं इसके बाद। देखिए हमने 48 आपसे डिस्कस कर लिया, 49 आपसे डिस्कस कर लिया, फिर हम आते हैं 50 पे, इसको हटा देते हैं। सेक्शन 50, सेक्शन 50 किस चीज की बात कर रहा है, सेक्शन 50 बात कर रहा है रिलेशंस की। जब रिलेशन किसी के रिलेशन जो हैं वो रेलिवेंट होते हैं, उनको रेलिवेंट माना जाता है। तो रिलेशन कब रेलिवेंट होंगे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 9, ठीक है। तो 9 जब हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 9 में 5 चीजें मैंने डिस्कस करी थी। तो वहां एक फैक्ट ये भी था कि अगर जब कोई भी फैक्ट है जो कि क्या शो कर रहा है, रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहा हो, तो वो रिलेशन जो है वो सेक्शन 9 में क्या होगा, रेलेवेंट होगा, ठीक है। अब लेकिन यहां क्या बात कर रहा है, सेक्शन 50 बात कर रहा है कि ओपिनियन रिगार्डिंग रिलेशन की बात कर रहा है, कि जब कभी किसी दूसरे आदमी की ओपिनियन होती है कि ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सपोज सोसाइटी है, सोसाइटी के सामने एक फैमिली रहती है, सोसाइटी के उसके फैमिली के घर के जस्ट सामने दो कपल रहते हैं, वो काफ़ी सालों से रह रहे हैं। एकदम से बात होती है, डिस्प्यूट होता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या नहीं, ठीक। तो जब जो सामने आपके रह रहे हैं, अगर वो आके सामने आके आपके सामने स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट क्या होगा, रेलिवेंट माना जाएगा, क्या कि ये लोग इतने सालों से यहां रह रहे हैं, तो उनकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। तो सेक्शन 50 इन्हीं बात की बात कर रहा है, ठीक है। तो रिलेशन जब ओपिनियन की बात होती है तो वो कहां रेलिवेंट होगा, सेक्शन 50 में। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि ओपिनियन रिलेशन के रिगार्डिंग ओपिनियन रेलिवेंट नहीं होती हैं, वो इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है कि कोई भी मैरिज प्रोसीडिंग हो इंडियन डाइवोर्स एक्ट में 1869 में, ठीक है, और कोई भी प्रोसीडिंग जो कि इंडियन पिनल कोड में हो गई हो, बाइगेमी वगैरह की प्रोसीडिंग, तो वो 2-3 एक्सेप्शंस हैं इसको, आप उसको एक बार बेरैक्ट से कर लीजिएगा। तो मेन चीज़ें यही हैं कि सेक्शन 9
पर्टिकुलरली किसी फैक्ट जो कि रिलेशन को डायरेक्टली प्रूव करता है। सेक्शन 50, जब किसी थर्ड पर्सन की ओपिनियन आपकी क्या होती है, रेलिवेंट होती है किसके रिगार्डिंग, किसी स्टेटमेंट के, किसी रिलेशन के रिगार्डिंग। कितनी बात समझ में आई? चलिए एक रिलेशन की और हम बात करते हैं जहां होता है सेक्शन 112। मैंने आपसे स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया था वो क्या किया था कि पैटर्निटी का प्रूफ है, पैटर्निटी का प्रूफ है, पैटर्निटी है जो कि यहां क्या हो जाती है, कंक्लूसिव प्रूफ हो जाती है। कब? जब वो 280 डेज में, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ मतलब कोई लॉफुल वेडलॉक में रहते हुए क्या करते हैं, कोई बच्चा पैदा होता है विद इन 280 डेज, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये मान लिया जाता कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है किस चीज का, लेजिटिमेट पैटर्निटी का, ठीक है। लेकिन सपोज कि कोई सिचुएशन अराइज हो जाए कि ये जो 280 डेज है, ठीक, ये 280 डेज ना हो के 282 डेज हो जाए तो क्या वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा? हाँ एग्जैक्टली, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। तो वो होगा क्या उस कंडीशन में? कोर्ट, मैंने आपको प्रिजम्पशंस बताए थे, उस कंडीशन में कोर्ट क्या कर सकता है, मे प्रिज्यूम कर सकता है। ये तो कोर्ट के पास था ना, डिस्क्रिशन था कि प्रिजम्पशन का, तो ऐसी कंडीशन में प्रिज्यूम कर सकता है। और ये जो पैटर्निटी है ये प्रिजम्पशन का सब्जेक्ट है जो कि 112 में दिया हुआ है। लेकिन एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जबकि हस्बैंड अपनी एक्सेस को प्रूव कर दे कि वो इनएक्सेसिबल था, इनफर्म हो गया था, वो इनकॉम्पिटेंट था, क्या कि वो कंसीव कराने के लिए वो इनकॉम्पिटेंट था। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है। लेकिन जो बहुत इसमें मेजर इश्यूज आते रहे हैं, हमेशा से इश्यूज आते रहे हैं कि कोई चीज़ अगर कंक्लूसिव है तो क्या डिपेंड उसको मान ही लिया जाता है कि क्या वो है ही है? तो चलिए मैं एक आपसे केस डिस्कस करता हूँ, ऐसी याद आ गया। एक नंदलाल बड़वैक वर्सेस लता नंदलाल बड़वैक का एक केस आया था अभी रिसेंटली। उसमें सिचुएशन ये थी कि हस्बैंड वाइफ दूर रहते थे, सेपरेट रहते थे, और फिर क्या होता है कि सेपरेशन जो हुआ उनका कई साल पहले हुआ, और फिर बाद में जब तक उन्होंने डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी तब तक के बीच में वो सेपरेट रहे, ठीक। और लेकिन कोई बच्चा पैदा होता है, कंसीव करते हैं। इस कंडीशन में अब जबकि हस्बैंड इस चीज को प्रूव कर रहा है कि वो उसकी इनएक्सेस थी, वो उसकी पहुंच नहीं थी, वो नहीं मिलता था वाइफ से, लेकिन तब भी अगर लॉ के पॉइंट से हम चलें तब तो उसका तो मान लिया जाएगा कि बच्चा उसी का है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? लेकिन फिर क्वेश्चन ये राइज हुआ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, सुप्रीम कोर्ट ने एंड हाई कोर्ट ने दोनों ने अलाउ कर दिया क्या, डीएनए जब हुआ तो पता चला, पहले डीएनए में रिजल्ट निकल के आया कि जो बच्चा है वो हस्बैंड का नहीं है, ठीक। फिर इस बात को फिर भी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो लॉ और साइंस इन दोनों में अगर डिस्क्रिपेंसी होती है तो कौन प्रिवेल करेगा, लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है। और उसने माना कि बच्चा फिर भी वो हस्बैंड का ही है। लेकिन इतने पे बात बनी नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डीएनए करवाया, और दोनों डीएनए की जो रिपोर्ट थी वो सेम थी, और दो उसमें भी निकल के आया कि ये बच्चा जो है वो हस्बैंड का नहीं है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने एनालॉजी ड्रॉ करी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है वो लॉ का मैटर है, और जब लॉ का मैटर है तो ऐसी कंडीशन में लॉ और साइंस में जब डिस्प्यूटराइज होता है तो साइंस की यूनिवर्सैलिटी को चेक किया जाता है, और अगर साइंस यूनिवर्सली प्रूव्ड है, कई देशों ने उसको एक्सेप्ट कर रखा है,
तो ऐसी कंडीशन में जो साइंस है वो लॉ पे प्रिवेल करेगा, ये कुछ नया हुआ अभी, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा सा आप अपनी तरीके से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्री में अगर डायरेक्ट अगर पूछेगा तो आप कहना कि कंक्लूसिव प्रूव है, लेकिन अगर मेंस में आपसे आता है तो इस केस को रेफर करिएगा और कहिएगा कि जब साइंस और लॉ में डिस्प्यूट अराइज होता है तो ऐसी कंडीशन में लॉ की यूनिवर्सलिटी को नहीं, रादर साइंस की एक्सेप्ट एडॉप्टेबिलिटी या एक्सेप्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। एंड व्हेन इट इज क्लियर दैट द ट्रुथ इज अपरेंट ऑन द फेस ऑफ यूनिवर्स, देन ऐसी कंडीशन में आप अलाउड डिसअलाउ नहीं कर सकते हो लॉ के प्रोविजन को। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो साइंस है वो प्रिवेल करेगा और जो बच्चा है वो उसको डीएनए के रिपोर्ट के हिसाब से उसकी पैटर्निटी डिसाइड की जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में, आई होप आपको ये वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये है 112, ठीक, ये आपका हो गया है और इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। क्वेश्चन अगर इसमें पूछता है तो वो आपसे पूछ सकता है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है या नहीं, ठीक है? इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ नहीं, ठीक है? एक सेकंड, ठीक है, चलिए। इतनी बातें आपको रिलेशन के रिगार्डिंग समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, इसको हटाते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जो नया टॉपिक हमें जो आप आज आपसे डिस्कस करना है, देखिए सबसे पहले कि मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि एविडेंसेस किस तरह के हो सकते हैं, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, ओरल एविडेंस हो सकते हैं, ठीक है? सेक्शन 59 यही आया था लाइट में, जिसने कहा कि ओरल एविडेंस तब दिए जा सकते हैं जब ये डायरेक्ट होंगे। ये सारा डिस्कशन हम आपसे कर चुके हैं, ठीक है? डन। अब फिर जो बचता है दो डिस्कशन, वो कौन कौन से हैं कि डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की रेलिवेंसी, ठीक है? तो सेक्शन 61 क्या कहता है कि दो तरीके के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, ठीक है? एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, ठीक है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरीके के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है? ये तो बात करता है सेक्शन 61। अब हम एक एक करके अब आपसे डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी एविडेंसेस क्या होते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं। पहली चीज है जो कि प्राइमरी एविडेंस होती है, ये सेक्शन 62 में दिया हुआ है। प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं कि सपोज कि कोई डॉक्यूमेंट यूज किया जा रहा है, ठीक है? कोई डॉक्यूमेंट यूज किया जा रहा है तो वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ क्या होंगे, प्राइमरी एविडेंस होंगे। ये बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट को यूज कर रहे हो आप तो वो क्या माना जाएगा, प्राइमरी एविडेंस, ठीक? कुछ खुद ही बेयर एक्ट, ठीक है? फिर इसमें कह रहा है कि पहली चीज कह रहा है कि प्राइमरी एविडेंस मीन डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोई भी डॉक्यूमेंट है इटसेल्फ, उसको प्रोड्यूस किया गया इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट की परिधि में। मैंने एविडेंस में उसमें बताया था आपको कि इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट के लिए प्रोड्यूस, सेक्शन 3 में ये बात लिखी हुई है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, ठीक? फिर इसका दूसरा दूसरी बात जो कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है, एक सेकेंड, ठीक है? इसमें दूसरी बात जो कह रहा है कि वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बींग एग्जीक्यूटेड बाई वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट, ठीक है? इसको हटा देते हैं।
इसमें कह रहा है कि देखिए एक कोई कॉन्ट्रैक्ट, सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना, उसमें कई पार्ट्स हैं, कई पार्ट्स हैं, तो वो क्या होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट का जो ये पार्ट्स है ना, ईच पार्ट क्या माने जाएंगे, ये प्राइमरी एविडेंस है। एक मेन कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कई क्लॉजेस हैं, उन सारे क्लॉजेस को हम क्या मानेंगे कि ये प्राइमरी एविडेंस हैं, जितने एक ही कॉन्ट्रैक्ट सारे पार्ट्स, ठीक है, काउंटर पार्ट्स की बात कर रहा है, ठीक। अब जो ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऐसे समझ लो, ये भी और ये भी अपने आप में प्राइमरी एविडेंस माने जाए, समझ में। चलिए आगे नेक्स्ट, एक दूसरा इसमें कह रहा है कि देखिए जो नेक्स्ट है इसका, वो ये बात कर रहा है कि सपोज कि एक डॉक्यूमेंट है, ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट की दो प्रतियां बनाई गई, और वो जो दोनों प्रतियां हैं, मान लो इसको प्रति नंबर वन कर लें, इसको प्रति नंबर टू कर लें, ठीक है, या नंबर नहीं डालते हैं, नंबर डालने पे इम्प्लीकेशन बदल जाएंगे, ठीक है, प्रति नंबर वन प्रति नंबर टू इसको अगर हम मानेंगे, तो मान लो कि ए जो है इस पे साइन करता है और बी इस पे साइन कर देता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं डॉक्यूमेंट का, तो जो बी का जो डॉक्यूमेंट है ना वो ए के पार्ट पे क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस, और इनका उनके अगेंस्ट में, और ये इनके अगेंस्ट में क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। तो ये बात कर रहा है, ये भी प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। सपोज कि कोई डिक्री की कॉपी है, ठीक है, क्या है कि डिक्री की कॉपी, और डिक्री की कॉपी अब जब आप लेने जाते हो तो वहां कई फोटोकॉपी करके आपको दे देते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज आपको दे देते हैं, देते हैं, तो मेन क्या है, मेन जहां से सारी चीजें निकल रही हैं वो डिक्री की कॉपी, ओरिजिनल कॉपी जो है वो तो आपकी प्राइमरी एविडेंस होगी, लेकिन जो सर्टिफाइड कॉपी और इन सबको ये दे दिया गया ना इधर मेन चीजें, इनको हम सेकेंडरी एविडेंस में मानेंगे। तो सेकेंडरी एविडेंस अभी हम आपको डिस्कस करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। पहली चीज कि जब कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, तो सबसे पहले आपको प्रूफ देना होता है कौन सा, वो प्राइमरी एविडेंस। अब जब प्राइमरी एविडेंस नहीं है, मतलब प्राइमरी एविडेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। तो सेकेंडरी एविडेंसेस कब दिया जा सकता है, ये बात 65 में लिखी हुई है, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस है क्या, वो लिखा हुआ है 63 में। तो सबसे पहले हम आपसे 63 डिस्कस करते हैं, फिर 65 चलेंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट है, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये काउंटर पार्ट्स हैं, तो ईच काउंटर पार्ट वुड बी क्या होंगे आपके, प्राइमरी एविडेंस, ठीक। और यहां जहां की एक काउंटर पार्ट पे एक्सचेंज हो रहा है, तो एक दूसरे के लिए वो प्राइमरी एविडेंस बनाए जाएंगे, ठीक है। चलिए हम आते हैं अब 63 बात कर रहा है सेकेंडरी एविडेंस की, एविडेंस, ठीक, सेकेंडरी एविडेंस। अब सेकेंडरी एविडेंसेस क्या होते हैं, जो सेकेंडरी एविडेंसेस के लिए जो पहली चीज है वो कह रही है, वो कोर्ट, सॉरी एक सेकेंड, मैं पढ़ता हूं। पहली चीज जो सेकेंडरी एविडेंस में आता है वो क्या होता है, सर्टिफाइड कॉपी।
अगर किसी डॉक्यूमेंट की अगर सर्टिफाइड कॉपी मिल गई है आपको, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस होगी। मतलब प्राइमरी क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट जिसकी सर्टिफाइड कॉपी मिली है, मतलब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ वो क्या हो गया, प्राइमरी। अगर उसकी सेकेंडरी उसको आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल गई है तो वो हो गया सेकेंडरी, पहली चीज। दूसरी चीज बात कर रहा है, सेकेंड दूसरी चीज बात कर रहा है कि कॉपी इज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस इन विच इन themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with the such copy। ठीक है, सपोज कि एक मेन कॉपी थी, ठीक है, इस मेन कॉपी से आपने क्या किया, दो कॉपीज और बना ली, कैसे, जेरोक्स करा लिया। तो ये जो मेन कॉपी है ये क्या थी आपकी, ये तो प्राइमरी है ही है, ठीक, लेकिन ये जो दूसरी कॉपीज है ना, ये क्या मानी जाएंगी आपकी, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी कॉपीज होंगी जो कि इनसे बनाई गई है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन सपोज कि कोई कॉपी है, सपोज कि कोई कॉपी है जो कि अब ये जो जेरोक्स कॉपी थी ना, इस जेरोक्स कॉपी से भी कोई कॉपी बनाई गई, ठीक, और जेरोक्स कॉपी से बना के इसको कंपेयर किया गया, इस जेरोक्स कॉपी से, इन दोनों से कंपेयर किया गया इनके कंटेंट्स को, ठीक। अब ये जो कंपेयर कर दिया गया, तब अब ये क्या मानी जाएगी, ये जो प्राइमरी एविडेंस था ना, इस प्राइमरी की ये सेकेंडरी मानी जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपकी दूसरा क्लॉज इसका कह रहा है। तो इसको फिर से समझ लीजिए कि ये जो प्राइमरी एविडेंस है, पहला मेन इटसेल्फ, अगर इससे कोई कॉपी निकाली गई है जिसको कि फोटोकॉपी, सेम प्रोसेस से, मूल प्रति से इसको निकाली गई है, तो ये जो सेकेंडरी कॉपीज इनकी मानी जाएंगी, ठीक है। अब फोटोकॉपी करा लिया आपने, ठीक है, या एक सेम कमांड से आपने कोई क्लिक कर दिया, मान लो आपने प्रिंटर है आपके लेजर पर, आपके पास प्रिंटर है, प्रिंटर में एक कमांड देते हो, कमांड के लिए क्या करोगे, एक ड्राफ्ट बनाओगे, वो जो ड्राफ्ट होगा वही तो प्रिंट में निकल के आएगा, ठीक है। तो जब ये ड्राफ्ट आपका बनाया गया, ठीक, किस पर्पस के लिए, ये वाले के लिए, और जब ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ तो फिर ये कॉपीज को उन्हीं के क्लिक पे निकाला आपने, ठीक है, और ये जो कॉपीज होंगी पहले की क्या होंगी, सेकेंडरी, ठीक। अब इनका भी जेरोक्स करा लिया गया सेम प्रोसेस से, तो अब ये जो कॉपीज है ना ये भी सेकेंडरी होंगी, कब, जबकि ये पहले वाली से कंपेयर कर दी गई। इतनी बात समझना, ठीक, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या कहता है कि कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। इसको बताते हैं, सपोज कि ये कॉपी है जो कि पहले से बनी पड़ी थी, ठीक है, अब इसको देख के कोई टाइपिंग कर करके, कोई टाइपिस्ट है, उसने क्या करी, कॉपीज बना ली, और ठीक है, और अब ये क्या कह रहा है कि कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर विद द ओरिजिनल, तो ये हो गई आपकी ओरिजिनल, अब उससे ये जो कॉपीज बनी है ये क्या होंगी आपकी, सेकेंडरी, तो ये हो गई आपकी सेकेंडरी, ये हो गई प्राइमरी फर्स्ट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि फोर्थ है, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, ठीक है, चलिए इसका अब देखते हैं क्या कह रहा है कि काउंटर पार्ट्स, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था ये वाला, इससे पहले वाले में प्राइमरी जहां बनाया था, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, मान लो इसको ए ने साइन किया और इस पे बी ने साइन किया, या ए का डॉक्यूमेंट या बी का डॉक्यूमेंट जो कि बनाया गया था सेम ट्रांजेक्शन की काउंटर पार्ट्स में, ठीक। अब क्या हो रहा है कि ये जो ए का जो डॉक्यूमेंट है ना, ए का जो डॉक्यूमेंट है वो बी के खिलाफ क्या होगा, बी के खिलाफ ही यूज होना है, तो ये डॉक्यूमेंट ए ने क्या किया था, बी को दे दिया, और बी वाला डॉक्यूमेंट ए ने रख लिया, ठीक। अब सिचुएशन ये अराइज होती है कि प्राइमरी एविडेंस होता तो प्राइमरी एविडेंस में क्या होता कि ए की कॉपी तो प्रेजेंट करनी पड़ती, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में प्राइमरी एविडेंसेस में तो ए की कॉपी ए की हो गई, बी की कॉपी बी की हो गई, लेकिन जब आपको पता है कि सेकेंडरी एविडेंसेस तब अलाउड हैं जब प्राइमरी होते नहीं है,
ठीक है, तो इसका मतलब बी के पास जो कॉपी थी ए वाली वो अब उसके पास है नहीं, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंस अलाउ किया जाएगा, और सेकेंडरी क्या होगी, इसमें सेकेंडरी कॉपीज क्या होंगी, जो इनका इसकी जो कॉपी थी ना वो इसकी सेकेंडरी मानी जाएगी, एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये काउंटर पार्ट्स हैं, काउंटर पार्ट के एक्सचेंज है, पहले प्राइमरी एविडेंस देते हो जो कि एक्सचेंज में आपने ए ने बी को दिया, बी ने ए को दिया, वो प्राइमरी हो गए एक दूसरे के अगेंस्ट। लेकिन जब प्राइमरी अवेलेबल नहीं है, प्राइमरी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है कोर्ट में, तब ऐसी कंडीशन में इन दोनों को एक्सचेंज में लाते हो, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट लास्ट कह रहा है कि ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। मान लो किसी ने ए है, कोई ए इंसान है, इसने कोई डॉक्यूमेंट देख रखा है, और वो क्या कहता है, वर्बली ओरल ओरल तरीके से ओरली ये बोलता है और उसके कंटेंट को बताता है, ये कंटेंट यहाँ लिख दिया जाता है, ये भी सेकेंडरी माना जाएगा पहले वाले काउंटर, पहले वाले मतलब प्राइमरी का सेकेंडरी माना जाएगा ये। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका सेकेंडरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस यही है। मान लो आपको पूछता है कि एग्जाम्पल समझ लो आप कि फोटोस्टेट कॉपीज, ठीक है, जेरोक्स करा के कॉपीज, कॉपीज कंपेयर्ड, ठीक है, विद ओरिजिनल वन, ठीक, ये सारी बातें। अब ये बातें हो गई आपकी। अब इसके बाद आता है सेक्शन 64। सेक्शन 64 क्या कहता है, कहता है कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन मेंशन। यहां कह रहा है कि अगर पहले पहले डॉक्यूमेंट्स को जो प्रूव किया जाना है वो पहले तो प्राइमरी एविडेंस से किए जाएंगे, और नहीं तो सेकेंडरी एविडेंसेस से। वो सेकेंडरी एविडेंसेस कहाँ दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं, वो मतलब कंडीशंस कहाँ मेंशन की गई हैं, वो हैं 65 में। क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? पहला कि व्हेन द ओरिजिनल इज शोन टू बी और इन अपीयर इन द पोजीशन एंड पावर ऑफ अनदर। ओरिजिनल कहाँ है, ए के पास ओरिजिनल है और बी को उसको प्रोड्यूस करना है, दूसरे के पावर में ओरिजिनल पड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसको प्रोक्योर नहीं किया जा सकता, और जब प्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता कोर्ट में तो ऐसी कंडीशन में उसकी जगह पे क्या दिया जाएगा, कोई सेकेंडरी एविडेंस दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ कह रहा है कि ओरिजिनल राइटिंग जो है किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस कंडीशन या कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव टू बी एडमिटेड इन राइटिंग। जहाँ ऐसी कंडीशन में किसी डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया गया है इन राइटिंग, उसके एग्जिस्टेंस को, उसकी कंडीशंस को, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सेकेंडरी एविडेंसेस उसका दे सकते हैं, ठीक। तीसरा क्या कह रहा है कि कोई प्राइमरी डॉक्यूमेंट था, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या लॉस्ट हो चुका है। थर्ड में डिस्ट्रॉय या लॉस्ट की बात कर रहा है। फोर्थ बात कर रहा है कि जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो इजिली मूवेबल नहीं है, उसको कोर्ट में उठा के लाया नहीं जा सकता, तो उसकी जगह पे हम क्या दे सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, फोर्थ हो गया आपका, फिर आ गया फिफ्थ, जहाँ की पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, जहाँ ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अभी हम आपसे 74 में डिस्कस करते हैं। देखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट हो, देखिए दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स दिए गए, पहला है 74 और 75। 74 कहता है पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करता है, 75 करता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की। तो मैं ऐसे बता दूं कि जिन कंडीशन में, जिन सिचुएशंस में कोई पब्लिक अथॉरिटी इन्वॉल्व होके कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, उस पर अपना माइंड अप्लाई करता है, फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, तो वो क्या होगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट। और जो जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है वो कौन होगा, सिंपली उसको कहते हैं कि वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा। जैसे पहली चीज, मान लो आप FIR करने जाते हो, FIR की कॉपी किसके द्वारा आपको साइन करके मिली, उसमें अथॉरिटी है कि नहीं, है तो ये क्या माना जाएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक। ऐसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसे भी हम पब्लिक डॉक्यूमेंट मानते हैं। लेकिन आप बताओ कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप ऐसे बताता हूँ कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को क्या मानेंगे, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को भी हम क्या मानेंगे, यही पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं, और ऐसी कंडीशन में उन डॉक्यूमेंट्स को हम क्या मानेंगे, कि वो
प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सिविल केस की डिक्री वो क्या है, कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने दिया, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेजिस्लेचर ने कुछ बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ बनाया है, कोई ऑर्डिनेंस है, कोई लॉ है, कोई कुछ भी नोटिफिकेशन है, ऑर्डर है, ये जो फॉर्मेट में बने हुए हैं इनको क्या माना जाएगा, इनको सबको पब्लिक डॉक्यूमेंट माना, 74 में फॉल करेंगे। और अदरवाइज देन जो होंगे वो 75 में डॉक्यूमेंट फॉल करेंगे, उनको कहेंगे क्या है वो, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मैं अभी आपको लिस्ट बता देता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। जैसे आप लिख सकते हो ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन है, गवर्नमेंट गजट है, ठीक है, इसके साथ ही म्यूटेशन डीड है, खसरा है, डॉक्यूमेंट एक्ट ने पुलिस ऑफिसर के उसमें करता है, मजिस्ट्रेट के रेफरेंस में कोई भी डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ चार्जशीट जो होती है इसको भी हम पब्लिक डॉक्यूमेंट मानते हैं, ठीक है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट मानते हैं। बैलेट पेपर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कोई हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लिस्ट आपसे ना प्री में बहुत पूछता है, तो आप इन सब को याद रखना, ठीक है। लेकिन आप चीज़, हाँ एक चीज़ रखना याद, कि प्लीडिंग जो होती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। लेकिन एफआईआर की कॉपी जो होती है वो क्या होती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या होती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए, तो ऐसी कंडीशन में जो अभी हम लास्ट वाला आपसे डिस्कस कर रहे थे वो था ई क्लॉज था 65 का। अब हम आते हैं एफ पे, जहाँ की सर्टिफाइड कॉपीज ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज अलाउ कर दी गई हैं, वो भी क्या मानी जाएंगी, वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएंगी। फिर उसके बाद कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ओरिजिनल कंसिस्ट न्यूमरस अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट विच कैन नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड इन द कोर्ट। अब ऐसा कोई एक डॉक्यूमेंट बनाए जिसको कोर्ट में ले नहीं जाया जा सकता, इतने वजन के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो अब इनको कोर्ट एग्जामिन तो कर नहीं सकता, न्यूमरस अकाउंट है, तो ऐसी कंडीशन में उसका कोई सर्टिफाइड कॉपी वो दिया जा सकता है, सेकेंडरी एविडेंस अलाउ किया जा सकता है। तो ये तो रहे आपके सेकेंडरी एविडेंस, तो आपको ये बातें सारी समझ में आ गई। प्राइमरी एविडेंस होता है, कौन कौन से एविडेंस दिया जा सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फिर इनकी बात होती है, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस कर ली, फिर हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। दो चीज़ें हमने बताई थी आपको, क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की हम बात करते हैं, उनकी एडमिसिबिलिटी की बात करते हैं। तो हमें आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो हैं वो मेंशन किए गए हैं 65A में, लेकिन उसकी एडमिसिबिलिटी जो दी हुई है वो 65B में दी हुई है, सेक्शन 65A एंड सेक्शन 65B, ठीक है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत बड़ा सा चैप्टर है, प्रोविज़न है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्या है, इसको 2000 में जोड़ा गया था वही आईटी अमेंडमेंट एक्ट से, आईटी अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2000 से जोड़ा गया था, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको मैं बताता हूँ कि सपोज कोई भी डॉक्यूमेंट है वो एडमिसिबल कहाँ होगा, 65B में, ठीक। ये डॉक्यूमेंट है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्या है, ऐसे समझ लो कि कोई भी कंप्यूटर का रिकॉर्ड होगा जो कि कंप्यूटर में मेंशन किया गया होगा और उसकी अथॉरिटी, उसकी जेन्युइननेस को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करके रखा गया होगा किसी अथॉरिटी के अंतर्गत, या कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसको कि अपॉइंट किया गया है उसको प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में माना जाएगा और वो एडमिसिबल होंगे कोर्ट प्रोसीडिंग में, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, सपोज एक कंप्यूटर में रखा हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट हो गया, कई कंप्यूटर की एक चेन बना के रखी गई है तब वो हो गया, ऑफिशियल किसी सर्वर में जुड़ा हुआ है तो वो भी डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। तो कंप्यूटर में जितने भी इनपुट एंड आउटपुट होते हैं उन सबको हम डॉक्यूमेंट मानते हैं, वो रेलिवेंट होते हैं एविडेंस के तौर पर, ठीक है। लेकिन इसका जो क्लॉज 4 है वो सर्टिफिकेट की बात करता है, कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछता है
कि कोर्ट कहता है, इसमें जो प्रोविजन है उसमें क्या क्या कहा गया है कि जो सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, वो क्या करेगा उन डॉक्यूमेंट्स की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की, जो कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में रखे गए हैं, उनकी वैलिडिटी को वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, उसको सर्टिफिकेट मेंटेन करेगा, और वो सर्टिफिकेट का जो प्रूफ मिलेगा वो अपने आप में ही एक रेलिवेंट एविडेंस माना गया है। ठीक है, एक अभी केस आया था, रिसेंट केस है, सफ़ी मोहम्मद का, एक सेकेंड, स्टेट ऑफ हिमाचल, हाँ सफ़ी मोहम्मद बच्चे स्टेट ऑफ हिमाचल, ठीक है, अभी 2018 का केस है, जिसमें कि कोर्ट ने कहा था कि सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट जो अलाउ किया जा रहा है ना, इस सर्टिफिकेट को कोर्ट जो है पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए किसी मैटर के एग्जम्प्ट भी कर सकती है। मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट, अगर ये एक्सेप्शनली बता रहा हूँ, जनरल रूल नहीं है, जनरल रूल में है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिनको कि आप एविडेंस के तौर पर रेलिवेंट बनाना या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करने से पहले आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी की सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अगर सर्टिफाइड सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया तब तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होने के कारण उसको गेन करना, जो उसको बहुत स्क्रूटिनाइज करना जरूरी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोर्ट अलाउ कर सकती है कि सर्टिफिकेट ना दिया जाए, फिर भी उसको एविडेंसेस को कंसिडरेशन में ले सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गई एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ रेलिवेंसी खत्म हो चुकी है, एडमिसिबिलिटी है। एडमिसिबिलिटी मैंने आपको पहले बताया कि कोर्ट डिसाइड करती है कि कोई डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है या नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे हम चलते हैं। मैंने आपसे सिग्नेचर के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है, देखिए फिर आता है एक क्वेश्चन, पूछता है आपसे, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन 68 में। सेक्शन 68 में कह रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है, ठीक है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अटेस्टेड है या रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड बाई लॉ है, मान लो सिंपल मॉर्गेज, जिसमें कि कोई भी ट्रांजेक्शन को आपको दो अटेस्टे जो अटेस्टेशन कराना जरूरी है, कंपलसरी है, तो ऐसी कंडीशन में उस डॉक्यूमेंट को तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक किसी कोई एक ने उसको अटेस्ट कर दिया हो। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो ये है, विल के कंडीशन में, सपोज कि कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन किसी चीज़ की मैंडेटरी है, किसी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको अटेस्टेशन, मतलब उस विटनेस की जरूरत नहीं होती है। दैट्स इट, इतना आप जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन 68 और 69 की बात कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने इसके बाद आपसे जो डिस्कस करा है वो 73 कंपैरिजन कर लिया आपसे। हाँ, एक चीज़ और कि जहाँ डिजिटल सिग्नेचर की बात आएगी ना, जहाँ डिजिटल सिग्नेचर की बात आएगी, वहाँ वहाँ अमेंडमेंट आईटी अमेंडमेंट नहीं है। उसमें क्या है कि 2008 का जो अमेंडमेंट है, आईटी अमेंडमेंट एक्ट ही है, बट वो 2008 में पास हुआ था, इसको आप याद रखिएगा, प्री में बहुत बार पूछता है आपसे। ठीक है, इसके बाद हमने आपसे पब्लिक डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लिया, फिर प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, अब हम आपसे बताते हैं कि कुछ कुछ प्री में ऐसे ही वन लाइनर टाइप का पूछ लेते हैं, तो हम आपको उन उन चीज़ पर देखते हैं, आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा उसको। पहली चीज़ कि सेक्शन 76 है, 76 बात करता है आपकी सर्टिफाइड कॉपीज की और पब्लिक डॉक्यूमेंट की, मतलब कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि रिकॉर्ड में रखा हुआ है, उनकी सर्टिफाइड कॉपीज अगर दी हुई हैं तो अलाउड है। ठीक है, तो कोर्ट उसको अलाउ कर सकता है उनके सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, दूसरी चीज, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो आपका सेक्शन 79 है, वो है कि प्रिजम्पशन ऑफ प्रिजम्पशन एज टू द जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी। तो इसको यहाँ शैल प्रिज्यूम है कि कोर्ट इसको प्रिज्यूम कर लेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट यूज किया गया है वो क्या होगा, वो कैसा डॉक्यूमेंट है, वो सर्टिफाइड कॉपी है और वो क्या है, जेन्युइन है। ठीक है, जेन्युइननेस को यहाँ प्रिज्यूम कर लिया जाता है, यहाँ शैल प्रिज्यूम है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है कि प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। सपोज कि कोई भी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर प्रोड्यूस किया है एज अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, ठीक है, तो यहाँ भी शैल प्रिज्यूम है, इस चीज़ को कोर्ट प्रिज्यूम करके चलती है कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, वो जेन्युइन है और उनको अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, प्रोसीडिंग में
फिर आते हैं आपका 81 81, जहाँ प्रिजम्पशन और गजट न्यूज़पेपर, ये आपका इम्पोर्टेंट एज सच नहीं है, बट एक बार आपको गो थ्रू होना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 81A, जो कि कहता है कि प्रिजम्पशन एज टू द गजट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गजट्स अगर कोई आता है तो उनकी बात करता है, ठीक। नेक्स्ट आपको जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो है आपका 85 आपसे पूछता है पावर प्रिजम्पशन एज टू द पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करता है, प्री में ही पूछता है। फिर आता है 85A, जहां इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की बात करता है। देखिए कई बार ना क्वेश्चन आपसे यहां पूछते हैं कि 85A, 85B और 85C में, ठीक है, तो पहले ऐसे याद रखिएगा कि कोई एग्रीमेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले ए क्लॉज में क्या कहता है कि प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, ठीक है। फिर दूसरा है कि बी 85B, प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर। पहले एग्रीमेंट होगा, फिर साइन होगा, फिर सर्टिफिकेट होगा। तीन चीज रखिएगा, एग्रीमेंट है, साइन है एंड सर्टिफिकेट है, ए बी और सी, 85A, B और C, ठीक है। फिर हम आते हैं एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है सेक्शन 86 से। 86 कहता है कि जो फॉरेन रिकॉर्ड होते हैं, फॉरेन जजमेंट्स होते हैं, उनकी रेलेवेंसी की बात करता है, ठीक है। यहाँ कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है, यहाँ भी यहाँ मे प्रिज्यूम किया गया है, यहाँ प्रिजम्पशन ऑफ मे का प्रिज्यूम, मे प्रिजम्पशन है, मतलब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, ठीक। फिर आते हैं 87 आपका प्रिजम्पशन एज टू द बुक ऑफ मैप एंड चार्ट, ठीक है, बुक मैप एंड चार्ट की बात करता है, यहाँ पे उसको प्रिज्यूम कर लिया जाता है। हमने अभी आप पहले आपसे डिस्कस किया था, जहाँ रेलिवेंसी वाली बात करी थी, वहाँ हमने 34 टू 38 हमने डिस्कस किया, जहाँ ये सारी बातें दी हुई हैं, वहाँ एज अ रेलिवेंसी दी हुई हैं, यहाँ एज अ प्रिजम्पशन दी हुई हैं, दैट्स इट, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जो देखना है वो एक बार आप 88A देख लीजिएगा, कभी कभी प्री में आपसे पूछता है कि वो कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम आते हैं 90, ठीक है। 90 का मतलब होता है, 90 में दो चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ टेस्टामेंट्री नॉन टेस्टामेंट्री दोनों डॉक्यूमेंट की बात करता है, कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि रखा हुआ है किसी रिकॉर्ड में और वो 30 इयर्स ओल्ड है, तब उसे जेन्युइन मान लिया जाएगा, ठीक है, तब उसकी जेन्युइनिटी को चैलेंज नहीं किया जाएगा, उसको जेन्युइन मान लिया, यहाँ कोर्ट प्रिज्यूम करती है, यहाँ लेकिन मे प्रिज्यूम है तो उसका रिबटल किया जा सकता है, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है क्या कि 90 में मे प्रिज्यूम की बात कर रहा है, और मे प्रिज्यूम के साथ साथ क्या बात कर रहा है कि आपको जेन्युइननेस ऑफ रिकॉर्ड उसका जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कब, जबकि वो रिकॉर्ड में रखा हुआ है 30 इयर्स से, इतनी बातें, ठीक। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, और इसी में एक क्लॉज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है उसको पिछले 5 सालों से रखा हुआ है, वहाँ भी कोर्ट में प्रिज्यूम करती है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने आपसे डिस्कस किया वो 1 to 1 to कितना हो गया, 100 तक हमने आपसे डिस्कस कर लिया, क्योंकि हमने ओरल के टाइम पे आपसे 91 to 100 किया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए सब एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर तो हमको लग रहा है आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियोस के जो लिमिट्स हैं उनको थोड़ा सा छोटा रखने की कोशिश कर रहे हैं, 1 घंटे की वीडियो हम रख रहे हैं आजकल, जो हमारा ये सेशन है ना वो हमारा 1 घंटे का होगा, ठीक है। और क्यों, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, आपको भी कंपाइल करने में दिक्कत हो रही होगी, तो कुछ जो फैक्ट्स हैं आप इनको रिविज़न करते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि एग्ज़ाम्स एकदम मतलब पीक टाइम चल रहा है आपका, ठीक है, तो रिवाइज़ करते रहिए। और अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ठीक है, या आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप इनको प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है, लोगों अपने दोस्तों तक पहुँचाइए इसको, ठीक है, और ठीक है, और तो सब ठीक है, सी यू, गुड नाइट।